हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो X100 फ़ोन है, तो वीवो X100 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि आप कैसे फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर फ़ोन को इरेज ऑल डाटा एंड फैक्ट्री रीसेट आप कैसे कर सकते हैं एंड आप कैसे फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कर पाएंगे वीवो X100 फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कैसे कर सकते हैं और फ़ोन को इरेज ऑल डाटा कैसे कर सकते हैं इस ऑप्शंस के जरिए। तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन्स हैं शो हो रहे हैं, तो सिंपली आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाले आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपको सेटिंग्स पे जाना होगा और क्लिक करते ही आपकी फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो आप कैसे फ़ोन को इरेज ऑल डाटा एंड फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं वीवो X100 फ़ोन को, तो सिंपली आज हम बताने वाले हैं। तो सिंपली आपकी फ़ोन की सेटिंग्स शो हो रही हैं, देख सकते हैं। तो सिस्टम सेटिंग्स पे जाना है और सिस्टम सेटिंग्स पे जाकर जो भी आप फ़ोन को इरेज ऑल डाटा एंड फैक्ट्री रीसेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सिंपली रीसेट ऑप्शंस पे जाना है और रीसेट ऑप्शंस पे जाकर आपके पास ये ऑप्शन आता है इरेज ऑल डाटा, तो इस पर क्लिक कर देंगे और क्लिक करते जो भी इरेज ऑल डाटा ऑप्शंस के जरिए फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एंड आप फैक्ट्री रीसेट करना चाहते हैं तो इरेज ऑल डाटा, इसे इंटरनल स्टोरेज हो गया, गूगल अकाउंट, सिस्टम सेटिंग, डाउनलोड म्यूजिक वीडियो अकाउंट हो गया, तो इस पर जाकर आप इसके जरिए रीसेट कर सकते हैं और रीसेट करते आपका फ़ोन है फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा एंड आप शुरू से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, आप इरेज ऑल डाटा भी कर सकते हैं फ़ोन को एंड आप चाहें तो ऑल सेटिंग्स को भी रीसेट कर पाएंगे। यहाँ से इस पर टैप करते जो भी ऑल सेटिंग्स होती है फ़ोन की उसको यहाँ से रीसेट कर सकते हैं और रीसेट करती जो भी ऑल सेटिंग्स आपके फ़ोन में रिस्टोर हो जाएगी। तो इस तरीके से भी फ़ोन को इरेज ऑल डाटा एंड फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं फ़ोन को। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।